हेलो एंड वेलकम बैक। अब डिस्कस करते हैं कुछ एग्जांपल्स फ्रॉम मैथमेटिकल लॉजिक। क्वेश्चन है राइट इन सिंबॉलिक फॉर्म। तो यहाँ हमें लॉजिकल स्टेटमेंट्स दिए और उन्हें हमें सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। सबसे पहला है सोहम इज इंटेलिजेंट और ही इज हार्ड वर्किंग। तो इसको हम दो स्टेटमेंट्स में स्प्लिट करते हैं। यहाँ पे देखिए ये हमारा कनेक्टिव है और ओके तो suppose we define the statement P as Soham is intelligent. Soham is intelligent. And statement Q लेते हैं He is hardworking. That is Soham is hardworking. So Soham is हार्ड वर्किंग। तो जो इसका सिंबॉलिक फॉर्म आएगा इस स्टेटमेंट का, सो देयरफॉर द सिंबॉलिक फॉर्म विल बी सोहम इज इंटेलिजेंट यानी पी और सोहम इज हार्ड वर्किंग दैट इज क्यू। तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म है पी और क्यू। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। राम इज इंटेलिजेंट बट ही इज नॉट हार्ड वर्किंग। तो यहाँ दो कनेक्टिव दिखते हैं। देखिए एक तो है बट विच इज इक्वेलेंट टू एंड, ओके ये याद कीजिए। बट की जगह पे हम एंड यूज करेंगे और यहाँ पे एक नॉट वाला कनेक्टिव आएगा। आई होप यू रिमेम्बर नॉट के लिए हम ये वाला साइन यूज करते हैं, सिमिलर वाला साइन। तो इसमें से भी पहले दो स्टेटमेंट्स हम बनाते हैं। सपोज पी रिप्रेजेंट्स राम इज इंटेलिजेंट, ओके एंड क्यू लेते हैं राम इज हार्ड वर्किंग, ओके सो क्यू हम लेते हैं राम इज हार्ड वर्किंग। तो इसका जो सिंबॉलिक फॉर्म आएगा, ओके सो वी राइट द सिंबॉलिक फॉर्म। द सिंबॉलिक फॉर्म विल बी राम इज इंटेलिजेंट यानी कि पी बट यानी एंड ही इज नॉट हार्ड वर्किंग। तो यहां पे आएगा नेगेट क्यू। ओके तो ये है इसका सिंबॉलिक फॉर्म पी एंड नेगेट क्यू। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं। थर्ड स्टेटमेंट है सीमा इज फैट और अनहैप्पी। ओके अगेन यहाँ पे देखिए और आ गया है एंड अन ये जो वर्ड है, ओके अनहैप्पी मीन्स नॉट हैप्पी। तो दो कनेक्टिव्स हैं यहाँ पे। तो इसमें से पहले दो स्टेटमेंट्स हम बनाते हैं। सो सपोज पी रिप्रेजेंट करता है सीमा इज फैट। सपोज पी डिनोट्स सीमा इज फैट एंड क्यू डिनोट करता है से सीमा इज हैप्पी। ओके तो हमने पी सीमा इज फैट लिया है एंड क्यू लिया है सीमा इज हैप्पी। तो इसका जो सिंबॉलिक फॉर्म आएगा, लेट अस राइट द सिंबॉलिक फॉर्म, सीमा इज फैट यानी कि पी और अनहैप्पी, अनहैप्पी मतलब नेगेट क्यू, राइट। सो दिस विल बी पी और नेगेट क्यू। तो ये आ गया इसका सिंबॉलिक फॉर्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ वाला। नेक्स्ट इज द सन हैज नॉट सेट। देखिए यहां पे एक नॉट वर्ड आ गया एंड द मून हैज नॉट रिजन। ओके तो अगेन पहले दो स्टेटमेंट्स डिफाइन करते हैं। सपोज पी डिनोट करता है द सन हैज सेट एंड क्यू डिनोट करता है द मून हैज रिजन। ओके द मून हैज रिजन। तो इसका जो सिंबॉलिक फॉर्म आएगा ये ध्यान से हमें लिखना है। देखिए इसका जो सिंबॉलिक फॉर्म होगा द सन हैज नॉट रिजन मतलब नेगेट पी एंड, तो एंड आ गया यहाँ पे द मून हैज, सॉरी द सन हैज नॉट सेट।
okay, sorry, the sun has not set, तो negate P, and the moon has not risen, मतलब negate Q, तो it is negate P and negate Q. अब next question देखते हैं, next वाला question है, let me scroll it up, इधर दिया है, the sky is not red, देखिए not word आया, और the rose is not red. तो इसमें भी पहले हम दो statements define करते हैं, atomic statements. Let P denote the sky is red and Q denotes the rose is red. तो इसका जो symbolic form आएगा, okay, let us write the symbolic form. So, the symbolic form will be the sky is not red, yani negate P, or the rose is not red, that is negate Q. So, negate P or negate Q, ye hai iska symbolic form. Next statement dekhte hain, even though it is not cloudy, it is still raining. अब ये भी याद कीजिए, जब भी word आता है दो, okay? दो के लिए हम connective जो use करते हैं, वो है and, okay? And वाला, but या फिर and या दो, okay? तो ये तीनों के लिए हम ये वाला symbol use करते हैं, and वाला, so and, but, दो, okay? अब यहां कहा गया है, even though it is not cloudy, okay, it is still raining. तो यहां पे वापस statements हम define करते हैं. Suppose P represent करता है, it is cloudy, okay, it is cloudy, and Q denote करता है, it is still raining, it is still raining. तो इसका जो symbolic form आएगा, let us write the symbolic form. अब कहा गया है, even though it is not cloudy, okay, मतलब negate P, okay, it is still raining. So cloudy नहीं है, but फिर भी बारिश हो रही है, right? यानी and it is still raining, that is Q. तो ये आएगा negate P and Q. अब next question देखते हैं. Next question दिया है, it may or may not rain, but the sky is dull. So it may or may not rain, not आया, but the sky is dull. और यहाँ पे again statements define करते हैं, suppose P is it may rain, P denotes it may rain, and Q denote करता है, suppose the sky is dull, the sky is dull. तो इसका जो symbolic form आएगा, okay, so the symbolic form is, now it may or may not rain means it may rain, that is P, or it may not rain, that is Q, right? Sorry, negate P, P or negate P, P है हमारा it may rain, or negate P होगा it may not rain, right? So may or may not rain, but यानी कि यहाँ पे आ जाएगा and the sky is dull, यानी कि Q. तो ये है इसका symbolic form.